हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र धाकड़ स्वागत करता हूं आपका फ्लाई एकेडमी भोपाल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया जाता है। कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करें। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का बहुत सिंपल तरीका होता है, जैसे हमारे सामने मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। इसका मतलब इसको हमें आइडेंटिटी एलिमेंट में, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, हमें उसमें कन्वर्ट करना है। मतलब कि मुझे बनाना है इसको, मैट्रिक्स को 100010001 बनाना है मुझे, ठीक है। तो अब ये बनाने के लिए अगर आप एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर तरीका यूज़ करेंगे, तो ये आसानी से आपका, आप इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके आप इसकी नलिटी और इसका रैंक बता सकते हैं, क्योंकि आप पेपर में जो क्वेश्चन आता है वैसे ही आता है। इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके इसकी रैंक और नलिटी बताओ। तो हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको करना क्या है, आपको ये करना होता है कि जो पहला वाले को वन बनाना है। तो अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी वन है, वन ही ऑलरेडी। अगर नहीं होता तो हम क्या करते, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि अगर ऊपर नीचे कोई रो में कोई ऐसा एलिमेंट है या कॉलम में वन है, तो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्लस या माइनस करके हम उसको वन बना। अगर मैं आगे वन बनाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या सिस्टम है। तो जब ये वन बन जाता है ना, तो इसके नीचे मुझे जीरो लाना है। वन के नीचे क्या बनाना है, मेरे को जीरो बनाना है। तो इसमें रो ऑपरेशन लगाते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन। तो कैसे, आर टू को चेंज करूंगा, इसको मुझे जीरो बनाना है, इसलिए आर टू चेंज। R2 को चेंज कैसे करूं, तो ऐसे चेंज करता हूं मैं कि 3 का मल्टीप्लाई करके 3R1 - R2। मतलब R1 में 3 का मल्टीप्लाई करो और इसमें से माइनस करो 3 में। ये कुछ भी बने, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो ये जीरो बनाना है। और उसी तरीके से R3 को जीरो बनाऊंगा मैं, इसको जीरो बनाऊंगा, तो 4 का मल्टीप्लाई करो तो 4R1 - R3। तो देखेंगे ये आपका 1, 2, -1 ऐसा ही रहेगा। आगे बढ़ेंगे हम तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि 3 × 1 तो 3 - 0 गया। अब यहाँ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 2 = ये यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 3 का, 3 × 2 = 6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया आपका 7। पर यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 और माइनस सी 2, तो -3 - 2 - 5, ये हो गया। अब इस पर आएंगे तो 4 का ऐसे मल्टी, ये तो 0 ही होना है। अब यहाँ पे 4 का करें, 4 × 2 = 8, 8 में से बन जाए कितना बचेगा, 7। और यहाँ पर 4 × 1 = -4 - 4 में से -3 जाएगा तो कितना बचेगा, -7। तो हमने यहाँ पर एक काम पूरा कर लिया कि हमने इसको 0 बना लिया, ये रो ऑपरेशन। अब यहाँ पर इसके जो इस वाले, इनको 0 बनाना है, तो यहाँ पर हम कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो अब C2 चेंज, तो वही सिंपल तरीका, यहाँ पर 2 लिखा है तो आप 2C1 - C2 कर दीजिए, और C3 चेंज। आप ध्यान देंगे यहाँ पे -1 है और यहाँ पर +1 है, तो आप दोनों को ऐड कर दो, C1 + C3, ऑटोमेटिकली 0। इनका कुछ भी होता रहा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। ए तो आप 100, ये तो चेंज होने नहीं है, ये आप, ये इसका कुछ नहीं होने वाला, ये ऐसे कैसे रहेंगे। तो आप यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे 2C1, तो 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 = 2 - C2, तो ये 0 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ भी करते रहो, आप 2 का मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, तो क्या होगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। तो आपका ये C2 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 2C1, तो ये 0 और -7, तो ये -7 हो जाएगा, और ये भी आपका -7। अब यहाँ आएंगे दोनों को ऐड कर, तो -1 और +0 क्या हो जाएगा, -1 और +1 0 हो गया। 0 + -5 तो -5, और 0 + -7 तो -7। तो इसी के साथ हमारा एक काम कंप्लीट हो गया, हमने इसको 0 बना लिया। और यहाँ पे अब हमारा मेन काम है इसको 0, इसको 1 बनाना है। इसको क्या बनाना है, मुझे अब 1 बनाना। अब 1 कैसे बनाऊंगा मैं, तो 1 बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है, इसको जो जितना नंबर लेगा उसी नंबर से इसको डिवाइड कर दो, तो वो आसानी से आपका 1 बन जाएगा। और दूसरी चीज़, आप प्लस या माइनस कर सकते हैं, तो अब आप प्लस या माइनस करेंगे तो 1 तो बनने से रहा, तो आप इसको डिवाइड ही कर दो, तो आपका R2 चेंज, R2 - R2 - -7। R2 को कैसे डिवाइड कर दूंगा, -7 से, तो क्या होगा, A
ये 100 और ये 0, ये तो ऐसे का ऐसे ही रहना, कोई चेंज नहीं होगा। इसको करेंगे तो माइनस का 1 हो, ये 1 हो जाएगा और ये आपका 5/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/7 और ये आपका -7 -7। बस समझ गए, अब ये 1 बन गया। अब मुझे इसके नीचे क्या बनाना है? 0। तो बिल्कुल क्या करूँगा मैं, इसको 0 बनाना, मतलब R3 चेंज। कैसे चेंज करूँगा? इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो 7R2 माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे, प्लस R3। तो ए ये आपका बिल्कुल 10, पहली रो ऐसी रहेगी और दूसरी रो भी आपकी ऐसी रहेगी 5/7। तीसरी रो ही चेंज होगी तो ये तो 0 है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 7R2, 7 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 ही आएगा, 0 में कुछ भी ऐड करो 0 ही आएगा। यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करें, 7 बन जाए 7, प्लस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई करो, R2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 क्या हो गया? कैंसिल, क्या बचा? 5। और प्लस कर दूंगा -7, तो माइनस का 2 बचेगा। समझ गए? अब क्या करना है? अब इसको 0, अब इसको क्या करना है हमें? इसको 0 बनाना है। क्या बनाना है इसको? 0। तो यहाँ पर आपका कॉलम 3 चेंज होगा। कौन सा कॉलम चेंज होगा? वो कॉलम 3। तो कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे मुझे 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0। तो कैसे बना सकता हूँ मैं? यहाँ पर 5/7 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 5/7। तो इसमें आप C2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5/7 का C2 में मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे C3। तो ए ये 100, ये तो रहना, ये 0, ये भी 10 है सही। तो देखेंगे ध्यान से, 5/7 ये आज C2 में, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई 5/7 करूँगा, 5/7 क्या बचेगा? 0, कुछ नहीं बचा। अब यहाँ आते हैं, अब C2 में मैं यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई करूँगा इसका 5/7 का, तो क्या आएगा? 0 आएगा। 0 में से -2 जाएगा तो क्या बचेगा? ये प्लस का। समझ गए? तो अपना हो गया 1, बन गया ये, इसके ये 0, ये भी 0। अब ये आखिरी वाले नंबर को क्या बनाना है? मुझे 1 बनाना है। तो सिंपल है, आखिरी क्या लिखा हुआ? 2। तो आप सी या आर को चेंज कर लो, तो R3 चेंज R3/2, तो क्या हो जाएगा? ये 100010001, 2 से डिवाइड करें, कोई भी चेंज नहीं हुआ। इसी के साथ आपका ये जो है, आपका ये रिड्यूस हो गया नॉर्मल फॉर्म में। तो हमने ये कर तो दिया है और आपको समझ में भी आ गया होगा, नहीं आया तो बार बार देखना, चेक करना। बस सिंपल ट्रिक है। क्या ट्रिक है? 1 बनाने का, इसके नीचे 0, ऐसा साइड 0, फिर वहाँ यहाँ 1 बना, उसके नीचे 0, उसके साइड 0 और आखिरी में 1। अब इसके बाद हमें निकालना क्या है कि इसकी रैंक क्या है, इसकी रैंक क्या है और नलिटी क्या है। तो इसकी रैंक और नलिटी क्या है? देखो रैंक यहाँ पर आप देखें, कोई भी रो आपकी 0 हुई है क्या? देखेंगे कितनी रो है आपके पास अभी भी, 1, 2, 3 ही है। कोई भी पूरी तरीके से कोई भी रो 0 नहीं हुई है पूरी तरीके से, तो आपकी रैंक 3 हो गई। अब नलिटी क्या होगी? नलिटी का मतलब होता है कोई भी रो पूरी तरीके से 0 हो जाए। क्या कोई भी रो पूरे तरीके से 0 हुई है? नहीं हुई है, तो नलिटी क्या है आपकी? 0 है। और वैसे इसको निकालने का तरीका होता है, ऑर्डर में से माइनस कर दो रैंक। तो ऑर्डर कितना है? 3/3, तो 3, और रैंक भी कितनी है इसकी? 3 है। तो आंसर तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं रैंक क्या होती है। जैसे कोई 3/3 का या 4/4 का या फिर जितनी उसमें रो है वो उसकी रैंक कहलाएगी। अगर उसमें 5 रो है और 5ों की 5ों में कोई ना कोई एलिमेंट, अगर वो पूरी तरीके से 0 हो गई तो वो रो हट जाएगी, और वो पूरी तरीके से 0 नहीं हुई तो वो आपकी रो काउंट होगी। जैसे मान लो कि यहाँ पूरे 3ों ही 0 हो जाते तो इसमें 2 रो बचती तो इसकी रैंक 2 हो जाती और नलिटी 1 हो जाती, क्योंकि 1 रो 0 हो गई मतलब कि 1 नलिटी, दोनों रो 0 हो जाती तो 2 नलिटी, और पूरा का पूरा ही 0 हो जाता तो 3 नलिटी और रैंक 0 हो जाती। तो इसी तरीके से आप इसको किसी भी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर सकते हैं नॉर्मल फॉर्म, और उसकी रैंक और नलिटी पता कर सकते हैं। तो होप यू गाइस आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से अगर आपको और भी चीज़ें, और भी वीडियोस देखना है तो आप चेक कर सकते हैं, और वीडियोस को चेक करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।